CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम चिरमी भाग एक। आलेख रमा पांडे का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो भाई तुम सब आज इंतजार कर रहे हो एक नए कार्यक्रम का। हाँ दोस्तों, आज तुमसे मिलने आ रही है तुम्हारी ही गुड़िया चिरमी। दोस्तों नमस्ते। तुम चिरमी को जानते हो दोस्तों? क्या तुम्हारे पास चिरमी की गुड़िया है? मेरे पास तो है चिरमी की गुड़िया, बहुत प्यारी सी। पर एक खराबी है इसमें, ये मुझसे बात ही नहीं करती। मैं कुछ भी बोलूं, ये चुप ही रहती है। बोलो ना चिरमी, बोलो ना, बोलो ना चिरमी। अभी इस लड़की ने मेरी शिकायत की और कहा कि मैं चुप ही रहती हूँ, इससे बोलती नहीं। पर सच तो ये है दोस्तों कि ये मेरी बात ही नहीं समझती। अच्छा ये बताओ कि तुमको मेरी आवाज अभी रेडियो पर सुनाई दे रही है या नहीं? अगर सुनाई दे रही है तो जोर से बोलो जी हाँ। अरे इतने धीरे नहीं, और जोर से बोलो जी हाँ। अभी काम नहीं बना, मुझे इस रेडियो के अंदर तुम्हारी आवाज सुनाई पड़नी चाहिए। और जोर से बोलो, खूब जोर से जी हाँ। ऐसे अब हुई ना बात? तो आज हम बहुत मजेदार बातें करेंगे, लेकिन एक शर्त है। जब मैं तुमसे ये कहूँ कि बोलो हाँ, तो जोर से कहना पड़ेगा हाँ। बोलो मंजूर? अगर नहीं बोलोगे तो भाई खेल खत्म और पैसा हजम। मुझे इस चिरमी के कपड़े बहुत पसंद हैं। ये लाल लहंगा, ये नीली कुर्ती कांचली और हरी ओढ़नी। मुझे भी ऐसे कपड़े चाहिए, लेकिन मुझे तो ये मालूम ही नहीं कि चिरमी गुड़िया ये कपड़े लाती कहाँ से है। दोस्तों सुनी तुमने इसकी बात? अब मैं ये भी बताऊं कि मैं ये कपड़े लाती कहाँ से हूँ। इस भोली भाली को ये भी नहीं पता। अरे कपड़े लाती हूँ दुकान से, और ये कपड़े तो बड़ी मेहनत से बनते हैं।
पहले कपास की खेती करूं और कपास से रुई निकालूं, फिर उसे धुनो, फिर चरखे पर रुई को काटो और फिर सूत बनाओ, फिर सूत को करघे पर ले जाओ और उसे बुनो। लेकिन ये काम हम थोड़े ही करते हैं। तो फिर कौन करता है चिरमी? करता किसान कपास की खेती, रुई उसी से पैदा होती। रुई को धुनिया धुनता है, सूत जुलाहा काटता है, ताने बाने डाल के बुनकर कपड़े बुनता रहता है। अरे दोस्तों, इसी बात पर मुझे कहानी याद आ गई है। सुनोगे ना तुम इस कहानी को? अगर सुनना चाहते हो तो बोलो जी हाँ। तो भाई सुनो कहानी। एक राजा था, उसके राज में एक सून चिड़ैया रहती थी। कौन रहती थी? सून चिड़ैया। देखो भाई, सून चिड़ैया यानी सोने के रंग वाली सुनहरी चिड़िया। एक दिन उसने राजा की रानी को गोटा पट्टी का लहंगा पहने देख लिया। बस फिर क्या था, सून चिड़ैया ने जिद ठान ली कि मैं तो रानी के लहंगा जैसा ही लहंगा पहनूंगी। बस वो सून चिड़ैया फुर्र से उड़कर सीधे तर्जी के पास पहुंच गई। वो दर्जी से बोली, अरे दर्जी भैया, दर्जी भैया, मेरे लिए रानी के लहंगा जैसा एक लहंगा सी दो। मैं पहनकर रानी जैसी लगूंगी तो राजा मुझसे शादी कर लेगा और मैं रानी बन जाऊंगी। दर्जी हंसा, तू रानी बनेगी? अरे ओ पागल सोच रहिया, मैं तेरा लहंगा कैसे सिल दूं? अरे तू पहले कपड़ा ला, जा बुनकर के पास जा, पहले कपड़ा लेकर आ तो मैं तेरा लहंगा सिल दूं। जा बुनकर के पास जा। सोन चिड़ैया वहां से उड़ी और फुर्र से कहां पहुंची? बुनकर के पास पहुंच गई। बुनकर से वो बोली, बुनकर भैया कपड़ा बुन दो, बुनकर कपड़ा मुझको दे दो। दर्जी लहंगा सीता नहीं, राजा शादी करता नहीं, मैं रानी कैसे बनूं? बुनकर ने सोन चिड़ैया की बात सुनी तो उसे भी हंसी आ गई। अरे और बताओ, बिना सूत का मैं कपड़ा कैसे बुनूंगा? अरे तू जुलाहे के पास जा और उससे सूत ला तो मैं तेरा कपड़ा बुन दूं। जा जा। बेचारी सोन चिड़ैया फिर फुर्र से उड़ी और जुलाहे के पास पहुंच गई। जुलाहे से बोली, अरे ओ जुलाहे, अरे ओ जुलाहे,
सूत काट कर मुझको दे दे, बुनकर कपड़ा बुनता नहीं, दर्जी लहंगा सीता नहीं, राजा शादी करता नहीं, मैं रानी कैसे बनूं? वह जुलाहा लगा था किसी काम में, डांट कर बोला, अबे भाग यहां से, ए बढ़िया रानी बनने वाली, पहले दुनिया के पास जा और रुई धुनवा के ला और तब मेरे पास आके कपड़ा बुनवा। सोच रही है बेचारी भागते भागते थक गई थी, सो अपने थके हुए पंखों से उड़ी, फुर 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 और पहुंच गई दुनिया के पास। से बोली, दुनिया रे दुनिया, तू गुनगुनिया, थोड़ी रुई धुन दे, उसको मुझको दे दे, जुलाहा सूत काटता नहीं, बुनकर कपड़ा बुनता नहीं, दर्जी लहंगा सीता नहीं, राजा शादी करता नहीं, मैं रानी कैसे बनूं? धुनिया बैठा था रुई के ठेर के पास, अपना काम कर रहा था बेचारा। उसे आया गुस्सा, उसने सोन चिरैया की पूंछ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर क्या था, सोन चिरैया रोते 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 शहर कोतवाल के पास गई। और कहने लगी, कोतवाल जी, कोतवाल जी, दुनिया ने मुझको मारा है। कोतवाल ने पूछा, क्या मारा है? सोच रही है बोली, दुनिया रुई धुनता नहीं, जुलाहा सूत काटता नहीं, बुनकर कपड़ा बुनता नहीं, दर्जी कपड़ा सीता नहीं, राजा शादी करता नहीं, मैं रानी कैसे बनूं? कोतवाल बड़ा अच्छा आदमी था, वो हंसकर बोला, अगर लहंगा पहनने से ही तू रानी बन जाए तो मैं तुझे लहंगा बनवा देता हूँ, चल। कोतवाल धुनिये के पास गया और उसे जोर से डांटा। धुनिया बेचारा डर गया, डर कर धुनिये ने रुई धुन दी, जुलाहे ने सूत काट दिया, बुनकर ने कपड़ा बुन दिया, पर जानते हो दोस्तों, दर्जी ने लहंगा नहीं 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 सिया। दर्जी ने लहंगा क्यों नहीं सिया? ये बात जब कल मिलूंगी तब बताऊंगी, अभी तो मुझे जाना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा तो मैं जाती हूँ। भी गई, अब कल बातें करेंगे। अच्छा दोस्तों, कल फिर प्यारी प्यारी चिरमी गुड़िया के साथ आऊंगी। नमस्ते। और अब दोस्तों जोर से कहो, जय हिंद।
प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।